अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हमारे जिला के जिला उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जी, जिनका नाम है बहादुर है, वो जब बहादुर है नहीं पर तूफान रहेगा, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं की मदद करो तुम। फोन लगाएंगे हम आपको, अभी तो ये अंग्राही है। ढोकी तो है, थोड़ा ढोको 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 लपटके ढोकी तो, हम ढोको आपका जो सुबह से प्रदर्शन चल रहा था और शाम का आके अब यहाँ पे दाल बाटी भी किसान बना रहे हैं, आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी और आपका ये जो धरना चल रहा है किस मांग को लेकर चल रहा है? जो अभी जो आपदा आई है ज़िले में, पहले सूखा था उसके बाद में अतिवृष्टि, तो फसलों में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। पहले भी हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, पहले तहसील स्तर पर करवाया, फिर कलेक्टर साहब के पास भी बैठक की, बाकी कोई नतीजा नहीं निकला। और आज भी दो तीन बार इनके SDM साहब आए थे, बाकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब के पास मिलने भी गया था, बाकी उनकी बातों से हम संतुष्ट नहीं। अरे पटेल भाई, अभी आप क्या परिसर के बाहर बहुत दाल बाटी बना रहे हैं यहाँ पे? हाँ, दाल बाटी बना रहे हैं, यहीं खाएंगे, यहीं रोकेंगे, ठीक है, और इनको भी अंदर ही यहीं रोकेंगे। आपका नाम? कुंचन पटेल। जो धरना चल रहा है किस मांग को लेकर चल रहा है और आपकी क्या मुख्य मांग है जिसके कारण आज आपको यहाँ कलेक्टर परिसर में दाल बाटी बनाना पड़ रही है और प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमारी मुख्य मांग तो है कि अभी जो सैटेलाइट से इनने जो सर्वे का एक ढोंग रचा है, सैटेलाइट से सर्वे किसानों को नहीं चाहिए किसी कीमत पर भी, हमें रेंडम क्रॉप कटिंग के हिसाब से किसानों का सर्वे चाहिए। दूसरा बिंदु, अभी जो पानी की लंबी खींच के कारण सोयाबीन और खरीफ की जितनी भी फसलें, मक्का उड़द सभी फसलें खराब हुई है, उसके सर्वे के आदेश, अतिवृष्टि से भी खराब हुई, पहले पानी की लंबी खींच के कारण हो गए, अब अतिवृष्टि से हुई, उनके सर्वे के आदेश तुरंत दिलवाए जाए। अच्छा, यहाँ भी जो नेशनल रेलवे में और बैतूल हाईवे निकल रहा है उसकी 4 गुना राशि के आदेश दिए जाए। अभी हम कलेक्टर साहब से बात हुई थी, क्या निष्कर्ष निकला? कलेक्टर साहब से जो अभी हमारी चर्चा हुई तो उसमें अभी हमारी सहमति नहीं बन पाई, उनका कहना है कि मैं अभी मेरे स्तर से अभी कुछ जानकारियां निकालूंगा, उसके बाद में आदेश निकालेंगे। अभी पटवारियां छुट्टी पे है तो हमने हमारा धरना चालू रखा, हमने उनकी मांग को नकारात्मक करते हुए हम नीचे आ गए। आपका नाम? मेरा नाम शेखर पटेल, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री। मांगों को लेकर आपकी क्या चर्चा हुई है? आज भारतीय किसान संघ के कुछ लोग आए हैं,
बैठे भी हुए हैं, उनकी प्रमुख रूप से 4-5 मांगे हैं, जिसमें अधिकतर मांगे तो शासन से संबंधित हैं और नीतिगत हैं। जैसे कि एक समय का राहत राशि, एक इंस्टॉलमेंट प्राप्त नहीं हुई तो शासन की मांग किया चुकी है। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है उस पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए, जबकि मध्य प्रदेश में 2 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। फैक्टर 1 मध्य प्रदेश में लागू है। अगेन ये नीतिगत मामला है, इसके बारे में भी किसान संघ से चर्चा करके उनको इसके बारे में बता दिया गया है। इसके अलावा उनकी ये मांग है कि बंदरों को भी पकड़ा जाए। तो ऐसे में हालांकि हम ये बता देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, बट प्रैक्टिकली करना ये काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा उनकी ये मांग ये भी है कि जो फसल की नुकसानी हुई है उस पर जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए। तो उसके बारे में हमने उनको आश्वस्त भी किया है, हमको उम्मीद है 2 से 3 दिन में हमारा इस अंदर इसमें लग के सर्वे काम चालू कर देगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसी मांगे भी हैं आगे, जैसे कि मैंने बताया कि वो नीतिगत हैं, तो उन मांगों को भी हम शासन को भिजवाएंगे। सर, सैटेलाइट सर्वे का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैनुअली सर्वे किया जाना चाहिए जैसे पहले होता है। पूर्व में ये पद्धति जिसमें मैनुअल सर्वे हुआ, सर्वे अगर इसको हम बोलते हैं क्रॉप कटिंग, उसके आधार पर फसल बीमे निर्धारित किया था, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं रहीं पूर्व में, कहीं पर अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद रिमोट सेंसिंग की पद्धति को अपनाया गया है। अगेन ये शासन का निर्णय है, ये जिला स्तर का निर्णय नहीं है। अगर शासन रिमोट सेंसिंग की ओर जा रहा है तो उसी के माध्यम से ही सर्वे मतलब बीमा का आंकलन किया जाएगा। सर, लगातार अब ये कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकाल के लिए आपके कार्यालय के सामने बैठेंगे, प्रयास हम कर रहे हैं लगातार उनसे बात करने का, उनको समझाने का कि अधिकतम मांगे जो हैं वो जिला स्तर की हैं, वो या तो पूरी हो गई हैं या उनकी पूर्ति की जा रही है, और जो शासन संबंधित हैं उनको विधिवत उनकी मांगों को हमारे खुद के पत्र के साथ में हम भिजवाएंगे। थैंक यू।